إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله المولى النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكرم التسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. उसने यूसुफ पे कभी मिस्र में अंगुष्ठ जना मिस्र उसने यूसुफ पे कभी मिस्र में अंगुष्ठ जना सर कटाते हुए तेरे नाम पर मरता गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आला अलैहि व बारक वसल्लम। गिरामी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में हमारे माश का हमारे किरदार का हमारे ज़हनो फिक्र का हमारे इल्म का दानाई का और सबसे बड़ी बात हमारे तशख्खुसे इस्लामी का इम्तिहान दिया जा रहा है। हमारे दिलों को टटोल के देखा जा रहा है कि हमारा ईमान किस हद तक हमारे दिलों में और हमारी रूह में सरायत किया हुआ है। खबरों से कौन वाकिफ नहीं सब जानते हैं कि पिछले दिनों आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में खुलेआम जो गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल किए गए वो यकीनन किसी मुसलमान के लिए बल्कि मैं कहूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस बंदे खुदा का नाम है वो सिर्फ मुसलमानों का रसूल नहीं है। मैं दावत देता हूं बिलखुसूस अपने बिरादराने वतन उन बिरादराने वतन को अपने वतन के उन गैर मुसलमान भाइयों को जो लोग अपने दिल में थोड़ा सा इंसाफ रखते हैं कि आप रसूल अल्लाह की सीरत को उठा के देखें। हमारे नबी नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी नहीं है। पैगाम मोहब्बत उनका सारे आलम के लिए है बेशक। और अल्लाह ने उनको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है बेशक बेशक। इस फकीर के दिल से
ये दंत मंदाना आवाज निकलती है कि आज मोहम्मद रसूल अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी करके सिर्फ पैगंबर इस्लाम और अहलियान इस्लाम यानी मुसलमान को इज्जत और इस्मत पे ठेस नहीं मारी गई है। यकीन जाने इंसानियत का पैगाम जो मोहम्मद अरबी ने अदा फरमाया, मेरे साथ मैदान अराफात में चलो, आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा का जो रसूल गिरामी ने कहा के दिया, उसमें क्या फरमाया था? रसूल अल्लाह ने बज़ाहिर तो इस्लामी पैगाम था मगर वो पैगाम कुल इंसानियत के लिए था। इरशाद फरमाया था, आज के दिन किसी कोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं, आज के दिन किसी अमीर को किसी गरीब पे फौकियत नहीं, आज के दिन किसी अरबी को किसी आजमी पे फौकियत नहीं। तुम्हें बेहतरीन बंदा वही है जो सबसे ज्यादा अपने आप को अल्लाह की बारगाह में जवाब दे समझता है। बहुत सारे लोग तकवे का अत्ताकुम का तर्जुमा करते हैं कि जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? क्या हमारा रब जो रहमान है, जो रहीम है, जो करीम है, जो अफ़ है, जो गफूर है, जो सत्तार है, जो गफ्फार है, क्या उसकी जात डराने के लिए है? अल्लाह का तक्वा जहां जहां कुरान में आता है उसका मतलब क्या है मालूम है? असलियत में उसका मतलब ये है कि जो जो खुदा को मानता है, तो मानने का खुदा को मतलब यह है कि बंदा अपने आप को जवाबदेह समझता है कि हमें दुनिया के सफर को तय करना है, जितना अच्छा है जिंदगी का उसको काट कर हमें मालूम है कि एक दिन हमें अल्लाह के समक्ष खास निकलना, अल्लाह के समक्ष हाजिर होना है और हमें अपने किए का जवाब देना है। तो आज अगर मोहम्मद अरबी की जात पर कोई उंगली उठाता है तो वो पैगंबर इस्लाम की जात पर नहीं उठती है तन्हा, बल्कि वो कुल इंसानियत के ऊपर उंगली उठेगी। मोहम्मद रसूल अल्लाह ने औरत का मर्तबा बताया कि औरत का मर्तबा समाज में क्या है। जिस जमाने में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, जिनके मर्द फौत हो जाते थे, वो औरतें यही हिंदुस्तान में, यही मुल्क है, इसी मुल्क में वो औरतें जिंदा आग में डाल दी जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुसलमान का लिखा हुआ नहीं है, ये हिस्ट्री आप हिंदुस्तान में किसी भी गैर मुसलमान मौर्रिख की पढ़ लीजिएगा कि सती प्रथा किसे कहते हैं। औरत की इज्जत, औरत को विरासत, औरत को अगर उसका शौहर फौत हुआ, अगर उसे तलाक शुदा है, तो उसे फिर से निकाह करने का हक, अपना घर बसाने का, अपनी दुनिया संवारने का हक किसने दिया? मोहम्मद रसूल अल्लाह ने दिया। पैगाम इस्लाम का है, पैगंबर रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम है। हज़रत गिरामी तबलीग करना जो हमारे उलमा हैं आप उनसे पूछिए, ईमानदारी से पूछिए उनसे, तबलीग करना ये बड़े जिगर गुर्दे का खेल है, बड़े जिगर गुर्दे का खेल है। आप रसूल अल्लाह की बात कर रहे हैं,
किसकी शान को गुस्ताखी कर रहे हैं? वो शख्स जो अपनी उम्मत के दुख को बांटने के लिए एक पतला नवा दिया है, सहाबाए किराम रसूलुल्लाह से मिले और आज गुरदार हुए, हुजूर बहुत झूठे हैं, कई दिन के फाकी हैं। और ये कौन से मालूम है? ये अस्हाबे सुफा थे। अल्लाह मदीने जाना हम सबको बार बार नसीब फरमाए, आमीन। रसूलुल्लाह के मस्जिद में एक चबूतरा है जिसे अस्हाबे सुफा का चबूतरा कहा जाता है। ये वो सहाबा थे कि जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये इस्लाम के मेहमान हैं। उनके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं होता था, उनके पास दो वक्त खाने को रोटी नहीं होती थी, मगर मजाक है साहब कि किसी के सामने हाथ फैलावे या किसी से कोई शिकायत कर दे, बैठे रहते थे, टिकटिकी बांध के हुजरे आयशा की तरफ देखते थे कि अभी पठान का चांद निकलेगा और हमारी भूख और प्यास को सैलाब फरमा कर दूर कर देगा। अल्लाह अकबर कह रहे हो फाके हो रहे हैं, कुछ इनायत। और ये कहकर उन्होंने अपना पैरहन उठाया तो ये देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाहने वालों का हाथ के सब के पेट पर एक ही पत्थर बंधा हुआ। भूख की इतनी शिद्दत के पेट के दर्द को मिटाने के लिए उस पर वजन डाल के उसे बांध दिया गया था। रसूलुल्लाह मुस्कुराए फरमाए बस इतने में ही सब उनको सब्र का दामन हाथ से चला गया। आपने अपना पैरहन उठाया जहां पर दूसरों के एक एक पत्थर बजा था, आका करीम के शिकमे अथक पर आपके बदने मुबारक पर दो दो पत्थर बजे। आज मोहम्मद रसूल अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी करके क्या समझ रहे हैं लोग कि तुमने पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी की? नहीं, तुम्हारी इंसानियत मर गई। और जब इंसानियत मर जाती है तो सिर्फ हैवानियत रह जाती है, क्योंकि ये मेरे रसूल हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने औरतों को उनका हक दिलाया, जिन्होंने गिरते हुए को थामा और सहारा दिया, जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की के हक के लिए आवाज उठाने में भले ही हमारी जान चली जाए मगर उन्होंने आवाज उठाई। सुभान अल्लाह के कबीला ने ये कौन है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आज ऐसे लोग पैदा हो गए। हम तो समझते थे कि हिंदुस्तान विकसित मुल्क है, हम लोग विकास की तरफ चल रहे हैं, हमें धर्म में रखा गया था कि हम सबके साथ मिलकर इस मुल्क का विकास करेंगे, मगर या अल्लाह अजब के ऐसे विकसित मुल्क में हम देख रहे हैं कि किसी की भी जुर्रत हो जाएगी कि वो आकर पैगंबर इस्लाम पर और शरीयत इस्लामी पर खुल्लम खुल्ला वार करना शुरू कर देगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हमारी गैरत को दावत दी गई है, ये हमारी गैरत को चैलेंज किया गया है। अल्लाहु अकबर, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, अपने दिलों को टटोल लेना। उसके बाद खलीफा सानी नाम लेते हो जिनका, और उनका नाम लेके कहते हो कि साहब हम उनके मानने वाले हैं, नाम है उनका उमर बिन खत्ताब, खत्ताब के बेटे उमर। और ऐसे साहबी 39 लोग रसूलुल्लाह के हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम हो चुके थे और ये 40वें थे, ये 40वें थे हजरत उमर। और जब आप मुशर्रफ इस्लाम हुए तो आप जब मुशर्रफ इस्लाम हुए तो साहब सुभान अल्लाह आपने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, सरकार मैं अपना ईमान छुपा नहीं पाऊंगा, मैं अपना ईमान छुपा नहीं पाऊंगा। अल्लाह अकबर,
और अनल एलान काबिल बचाते उन्होंने कहा अबू जहल अबू लहब उतबा शैबा सब बैठे हुए हैं बड़े बड़े दिक्कत सूरमा मक्के के आप खड़े हो गए और आपने तलवार निकाली और फरमाया सुनो ऐ लोगों जो मुझे पहचानते हैं वो सुन ले और जो नहीं पहचानते वो मेरे सुनाए को पहुंचा दे लूंगा मेरा नाम है उमर मैं हूं खत्ताब का बेटा और मैं हूं गुलाम रसूल अल्लाह अल्लाह अब जिसे अपनी बीवियों को बेवा करना है या अपने बच्चों को यतीम करना है वो उमर के सामना करने के लिए आता है अल्लाह ये कौन है ये हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अल्लाह अकबर एक मर्तबा का वाकया है मुस्लिम शरीफ की रिवायत आका करीम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हजरत उमर और साहब एक यहूदी में और एक मुनाफिक के दरमियान कोई झगड़ा हो गया मुनाफिक किसे कहते हैं जो बज़ाहिर कलमा पढ़ के दिल में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए दुश्मनी रखे एक मुनाफिक और एक यहूदी में किसी मामले को लेकर झगड़ा हो गया यहूदी ने कहा चलो अपने झगड़े का को सुलझाने के लिए हम लोग चलते हैं रसूलुल्लाह के पास इसने कहा यहूदी ने मुनाफिक कहने लगा नहीं उसने एक दूसरे साहब का नाम लिया कहने लगे काम के नशर के बाद चलते हैं वो हमारा मामला सुलझा देते बिलाखिर दोनों में इत्तेफाक हुआ कि चलो रसूलुल्लाह के पास जाकर चलो रसूलुल्लाह ने दोनों का मुकदमा सुना और मुकदमा सुनने के बाद यहूदी के हक में फैसला सुना बाहर निकले दोनों मुनाफिक कहने लगा कि हमें तशफी नहीं हुई हमें इत्मीनान नहीं हुआ एक काम करो चलो चलते हैं उमर के पास वो हमारा मामला सुलझा देंगे उमर बिन खत्ताब के घर आए उमर बाहर निकल गए कहने लगे कि साहब हम लोग गए थे अपने मुकदमे को लेकर रसूल अल्लाह के पास यहूदी कहने लगा हम लोग गए थे और रसूल अल्लाह ने मेरे हक में फैसला कर दिया मगर ये हज्जे साहब जो है ये कह रहे थे कि उमर हमारा मजीद फैसला करेंगे हजरत उमर ने मुनाफिक से पूछा कह रहे जिस तरह कह रहा है क्या उसी तरह हुआ कहने कहा ऐसे ही हुआ और आप हमारा फैसला दीजिए इरशाद फरमाते हैं जहां खड़े हो वहीं खड़े रहना और फिर घर के अंदर तशरीफ ले गए घर के अंदर से तलवार लेकर बाहर आए और एक जर्ब में उस मुनाफिक का सर उसके धड़ से जुदा कर दिया इरशाद फरमाया कि जहां पे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आ जाए जहां पे रसूलुल्लाह का फैसला आ जाए वहां पे दूसरे को फैसला करने का हक कहां मिल जाता है अल्लाह अकबर अज़ाते गिरामी अपने अपने दिलों को हमें टटोलना है और देखना है अपने अपने इलाकों में जो लोग बाहर से आए मेरी गुजारिश है कि कानून की हद में रहकर हमें अपने एहतजाज को दर्ज करवाना अपने अपने इलाके के हुक्काम के यहां क्योंकि ये मुल्क अभी यहां पे तानाशाही नहीं है अभी यहां पर जमहूरियत बाकी है और हमें अपनी अदालतों पर यहां भी भरोसा है हम जानते हैं कि कानून की हद में रहकर अगर हमने आपकी बात को रखा तो कोई ना कोई सुनने वाला जरूर मिल जाएगा
अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रसूल अल्लाह के नाम पर उनके इश्क में जीने का सलीका बख्शे और उनके नाम पर अल्लाह तबारक व तआला हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए। आमीन। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حتى إلى الله إن الله محمد رسول الله.